करती है तो सबसे पहला टाइप करती है अपने अवतल दर्पण। सबसे पहले करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण डन अपने लिखेंगे उत्तल दर्पण।
की कंडीशन की। बनाओ दर्पण, इसको आप स्केल की सहायता से बनाना बिल्कुल अच्छे से नाप के, बहुत अच्छा डायग्राम या प्रतिबिंब आपके जहां जाओगे वैसे बनेंगे। एफ सी, पहले अपना ने क्या किया था, सी से परे रखा था और खिसका दो प्रतिबिंब को, कहां ले आओ, सी पे ले आओ, सी पे ले आए, वही पहली अपनी रेखा कहां से जाती है, समांतर होकर जाती है, कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी, चली गई। दूसरी अपने कहां से भेजते हैं, देखो यहां से भेज सकते हो, अपने जो प्रावर्तन का नियम किया था कि यहां से जो किरण जितने कोण पे आएगी उतने कोण से वापस चली जाएगी, या फिर वो जो पहला नियम था कि फोकस में से दोबारा भेज देते हैं अपने, ये गई फोकस में से, ठीक है, और ये आ गई, सॉरी थोड़ी टेढ़ी बन गई, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको क्या करना, बिल्कुल स्केल से बनाना, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। ये देखो ये अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, कहाँ था ये, अपनों ने इसको कहाँ रखा था, सी पर रखा था, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, किरण आई सीधी, कहाँ से निकली, फोकस में से, फिर उसके बाद फोकस में से किरण आई कहाँ निकली, मुख्य अक्ष के समांतर, जहां पे दोनों मिलेगी वहां क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, और कैसा है, उल्टा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है। लिखते हैं अपने यहाँ पे तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन कहाँ पर अपने, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर अपने बिंब को रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, सी पर, सी क्या है, वक्रता केंद्र, कैसा है, वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा। ये होगी अपनी तीसरी कंडीशन। अब बात करते हैं अपनी चौथी कंडीशन को, इतनी सी बात याद रखना, आपको ये जो अपना बिंब है ना जिसे इसको खिसकाते रहना है थोड़ा थोड़ा, कार था अनंत था, अनंत से कार भी लेके आए सी से परे, फिर कार भी आए सी पे, अब इसको आगे और ले जाओ, बनाओ यहाँ पे, बना लिया फोकस केंद्र पोल भी, अब कहाँ खिसकाओगे, सी पे था, अंदर ले जाओ, इन दोनों के अंदर कहीं भी रख दो, सी और एफ के बीच में, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से करो, रेखा आई सीधी, पहली रेखा तो यूं ही गुजारोगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस में से जाएगी, निकाल फोकस में से, ये गई फोकस में से, फोकस में से गई, अब दूसरी चाहे फोकस में से निकाल दो, चाहे आप कैसे निकालोगे, वक्रता केंद्र से निकाल दो, देखो यूं निकालो, ये जैसे यहां से आई वक्रता केंद्र से गई और ये यहां मिल गई, ठीक है, जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी कहां होके आएगी, आप इसे तो आएगी कहां से, यहां मिल गई अपने, देखिए यहां बढ़ा दो इस मुख्य अक्ष को, और ये क्या हो गया अपना प्रतिबिंब मिल गया अपने को, देखो एफ और सी के बीच में थी तो कहां मिला प्रतिबिंब, सी से परे, या कह लो कि सी और अनंत के बीच में, कैसा है, वस्तु से बड़ा है, और कैसा है, उल्टा है, तो क्या होगा, वास्तविक। लिखते हैं फोर्थ कंडीशन को, कहां है प्रतिबिंब, सी व एफ के मध्य है, प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ, सी से परे, या यहां लिख सकते हो अनंत व सी के मध्य है, कैसा है, देखो बड़ा है वस्तु से, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है। चार कंडीशन हो गई, पांचवी कंडीशन की बात करते हैं, बात करते हैं अपने पांचवी कंडीशन की, अब अपने क्या करेंगे, और किस साधो उसको, ये बन गया, ठीक है, F थोड़ा सही नहीं बना, आप कर लेना इसको सही, C, F और C के बीच में था और खिसका दो, ठीक है, कहाँ ये क्या हो गया, अब फोकस पर, फोकस पर रखो इसको, फोकस पर रखा, देखो किरणें आई सीधी समांतर, कहाँ रहेंगी, मुख्य फोकस में से निकल गई, दूसरी
आगे जा रही है डैश डैश कर दो, कहीं मिलेंगी नहीं, समांतर ही जाएंगी। और अगर अपने मान भी ले कि समांतर जाते जाते कहीं मिल जाती हैं, तो अपने क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत में बन रहा है। अपना प्रतिबिंब देखो, वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, देखो बड़ा 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 होता जा रहा है। तो यहाँ लिखो अपने सबसे पहले कंडीशन आती है वस्तु कहाँ की, फोकस पर। फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ अपने को, अनंत पर। कैसा है, यहां लिखो बड़ा है, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा। ये हो गई पांच कंडीशंस। अब बात करते हैं हमने छठी कंडीशन की। देखो छठी कंडीशन बनाओ यहाँ पे। ये छठी कंडीशन ना थोड़ी सी बाकियों से अलग होगी। कैसे अलग होगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब अपने को इस साइड प्राप्त नहीं होगा, इस साइड प्राप्त होगा। चलो देखते हैं कैसे। फोकस सी, ठीक है, ये पॉलिश की हुई सत्ता होगी अपनी, एंड पोल पी। अब क्या करते हैं, अपने निकाल रखा फोकस पे रखा, और किसका दो कहाँ आ जाएगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र, सॉरी फोकस और इसके किसके बीच में, ध्रुव पी के बीच में कर दिया, निकालो ये आ गया। ठीक है, पहले मान ली अपने कहाँ से गुजारी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी, निकाल दो ये गई फोकस में से, कहाँ आई थी मुख्य अक्ष के समांतर और गई कहाँ से, फोकस में से। अब दूसरी किरण अपने यहाँ सी से तो निकाल नहीं सकते, देखो यूं जाएगी तो बिंब तो अपने पास छोटा है। अब क्या करेंगे अपने कंडीशन लेंगे तीसरे वाले, देखो जितने कौन से आएगी उतने कौन से वापिस चली जाएगी टकराने के बाद। अब टकराने के बाद वापिस चली गई, तो अब देखो इसको ये मिल नहीं रही, सीधे जा रही है, दूर ही जा रही है, तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती पीछे मिलाएंगे, मिलाओ यूं पीछे ले गई इसको, देखो मिल गई। एक पॉइंट ऐसा आया जहां जाकर के ये किरणें आपस में मिलगी, मिली तो क्या है, जबरदस्ती मिलाई है प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब देखो अपना कहां रखी थी वस्तु, एफ और पी के बीच में। अपने को कहां प्राप्त हुए जो प्रतिबिंब था, दर्पण के अंदर, ही अंदर की साइड होती है, तो क्या लिखोगे, दर्पण के भीतर, दर्पण के भीतर। कैसा है, सीधा है, वाल उल्टा और सीधा है, सॉरी, तो क्या होगा, आभासी होगा, अंदर की साइड है, आभासी है और क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो लिखते हैं आगे, कैसा है वस्तु से तो बड़ा है, वास्तविक नहीं है, आभासी है और क्या है, सीधा। दोबारा देखो एक बार, इसको अपने जबरदस्ती मिला रही है, तो इसका पीछे दर्पण की जो अंदर की तरफ है अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो गया इसका। ये तो बात होगी कि अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किया, ठीक है। छह कंडीशन थी, छह की छह यहाँ पे लिखी हुई है, आराम से इसको बना के देख लेना, आप सब बन जाएंगे। अब बात करते हैं अपने उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण की सिर्फ दो ही कंडीशन अपने पास, ज्यादा बड़ी नहीं है,
मिला दो तो प्रतिबिंब कहाँ मिल गया? फोकस पर। जबरदस्ती मिलानी पड़ेगी प्रतिबिंब चाहिए तो। ठीक है, कंडीशन लिखो। पहली कहाँ अपने पास थी, बिंब कहाँ था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ अपने को? फोकस पर। फोकस पर तो प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कैसा है, बिंदु रूप में है, बिंदु रूप में है। ठीक है, ऊपर की लाइन सीधी आई, इधर आई तो क्या होगा, ये सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी। आभासी क्यों होगा? क्योंकि जबरदस्ती मिलाया मिल नहीं रही थी ये लाइन, ये है आभासी। उसके बाद बात करते हैं, ये तो होगी अपनी पहली कंडीशन, अब बात करते हैं अपने दूसरी कंडीशन की। ऊपर ही बना लेते हैं इसको। देखो मुख्याक्ष होल पी, ये आपकी क्या है, सतह है। यहाँ क्या हो गया, इधर तो कुछ भी नहीं होगा, इधर क्या है, फोकस। साथ में क्या हो गया, केंद्र आ गया। इसको पहले छुट्टी बना लिया अपने। ठीक है, अब अपने क्या बात करते हैं कि कोई भी जो अपने पास बिंब है ना, कहाँ से कहाँ तक है। देखो यहाँ लिखते हैं, देखो अनंत व ध्रुवी कह लो या पोल कह लो, पी के बीच अपने पास एक कंडीशन आ गई कि अनंत है और आपका पी है, उसके बीच में आप कहीं पर भी इसको रख लो, अपने बिंब को, आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। रखो अपने कहाँ रखते हैं, यहाँ रख लिया, मान लो इसको यहाँ रखा। ठीक है, पहली किरण आई, अक्ष के समांतर आई, कहाँ जाएगी? अरे अपना दर्पण ही गलत बना लिया, इस तरह बनेगा सॉरी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, उत्तल दर्पण की हो रही है। ठीक है, ये आ गया, बाकी सब चीजें सारी सेम है, बस दर्पण थोड़ा सा अपनों ने गलत बना लिया। अब है कि दर्पण अनंत और जो अपना पोल भी है उसके बीच कहीं पे भी रखना अपने को, वस्तु को यहाँ रखा। किरण आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, दूर चली गई, चली गई क्यों, अब क्या करेंगे, मिलाओ जबरदस्ती, कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी, चली गई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं अपने, ये देखो कोई भी प्रकाश किरण है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जहां पर पोल पर आपतित होगी वहां पोल से परावर्तन के बाद दूसरी दिशा में समान कोण से मुड़ जाएगी वो। अब ये यूं निकल गया, प्रतिबिंब तो कहीं प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो वही फिर करो जबरदस्ती, मिलाओ इसको पीछे की तरफ, यूं कर दो, कटी दोनों खा कटी ये, और अपने को क्या प्राप्त हो गया, ये रहा अपना प्रतिबिंब, कहाँ प्राप्त हुआ है, देखो फोकस और ध्रुव के बीच में, तो लिखो कहाँ प्राप्त हुआ है, ध्रुव व एफ के बीच में। कैसा है देखो, बिल्कुल इतनी थी वस्तु, बिंब इतना सा प्राप्त हुआ है, तो क्या है, छोटा है, छोटा है, सीधा है, और जबरदस्ती रेखा मिला के बनाया तो क्या है, आभासी भी है। ये लो देख लो दोबारा कंडीशन, इसको जबरदस्ती मिला है। आज के दिन का जो टॉपिक था उत्तल दर्पण से जो और अवतल दर्पण दोनों से अपने प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लिया, अब इसको आप लोग स्केल से और अच्छे से बनाना तो बिल्कुल अच्छे से प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट है।